हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बज गए हैं, अभी सब सोकर उठे हुए हैं। फ्रेंड्स, मम्मी जूस निकाल रही हैं मौसम्बी का। हम यहाँ कोफ्ता की सब्जी बना रहे हैं। और हम यहाँ बासमती का चावल भी बना रहे हैं। कोफ्ता की सब्जी है एंड रोटी बनाऊंगी मैं। देखो, चावल का रोटी बना रही हूँ, चावल के आटे का। ये थोड़ी मोटी बनती है हल्का सा इस पर बना के। अब तवे पे इसको रखेंगे, दोनों तरफ हल्का हल्का हो जाए, इसके बाद तवे पे रखूँगी। अब हम चाय भी बना चुके हैं और खाना भी बना चुके हैं। ये देखो, इस पर चाय मैंने रख दिए हैं। इसमें देर तक गर्म रहता है, इस वजह से उसी में रखा जाता है। तो अब हम जा रहे हैं नहाने। फ्रेंड्स, अब मैं चाय पीने जा रही हूँ और ये नमक पारा खाने जा रही हूँ और ये सोप्रेस। ये देखो, पापा एक बोरी ले आ रहे हैं। देखो, पापा मौसम्बी लाए हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे घर फिर से मौसम्बी आ चुका है जूस बनाने के लिए। और जूस आधा ज़्यादा तो ख़राब हो गया था। जूस नहीं फ्रेंड, ये मौसम्बी ना, और दूसरी मशीन थी, मैंने अब ऑर्डर करके दूसरी मशीन मंगवाई है। तो उस पर अब जूस सही से निकलता है। पहले जिसमें निकालते थे उसमें सही से नहीं निकलता था, इस वजह से ये मेरा आधा ज़्यादा, मतलब आधा तो खराब। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केशवपुर मंडी से आया है दिल्ली में, और यहाँ वहाँ पर सब्जी और फल सब मिलते हैं। ये 500 रुपये में मिला है हमें 25 किलो मौसम्बी। अब हम इसे डेली पियेंगे जूस निकाल कर। हम जूसर भी मंगवा चुके हैं। पहले वाले जूस में तो बहुत बेकार हो जाता था, आधा तो मौसम्बी हमारा ख़राब हो चुका था। लेकिन अब की जूसर मंगवाई हूँ वो हमारा सक्सेस हुआ है, अच्छे से जूस भी निकल जाता है। मम्मी, सब्जी कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा, और आपको कैसी लग रही है? मस्त। आपको सब्जी कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, मतलब सबको बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं घिया की सब्जी बनाई थी, सबको पसंद आई। और चावल के आटे की रोटी बनाई थी, सबको अच्छी लगी। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। वैसे मुझे भूख नहीं है, देखो मैं इतना ही खा रही हूँ। मैं अगर नहीं खाऊँगी तो मम्मी बोलेंगी, इस वजह से मैं खा ले रही हूँ। क्योंकि 12 बज चुके, बट फिर भी मुझे भूख नहीं है। अब हम जा रहे हैं इसको ओपन करने रखने। अब की बार मौसम्बी देखो अच्छा है, बड़ा है, और पापा अब उसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये देखो मौसम्बी है, अभी इसको बीछना उछना पड़ेगा। अरे, वो अंदर सही है, सिर्फ बाहर से हो ऐसा है, अंदर से ना पूरा सही इसको होगा। पलटते। तो ये देखिए, कुछ खराब है कुछ बढ़िया भी है। लगता है खराब नहीं है, वैसे सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, खराब नहीं है, वो अंदर सही होगा। और ये देखो कितना बड़ा बड़ा मौसम्बी अब की आया हुआ है। अब की दोहे में एक गिलास से ज़्यादा ही निकलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये देखो, ये 25 किलो आया हुआ है, ये 20 रुपये किलो पड़ा हुआ है, 500 रुपये का 25 किलो मिला है। तो गाइस, अब देखिए हम इस मौसम्बी को रखेंगे, जो बढ़िया होगा उसे फ्रिज में रखेंगे, और फिर जो अभी है उसको जूस बना बना कर डेली पियेंगे। वैसे ख़राब तो नहीं है, ऐसे ब्लैक दिख रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि अंदर ठीक ही होगा। हम इसको छाट कर फ्रिज में रख रहे हैं। अब जो बढ़िया बढ़िया है पापा दे रहे हैं, अब हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं। ये देखो, अब हम इसको पूरा भर दिए हैं, अभी और रख। तो अब देखो पापा उसमें रख रहे हैं, टप में रख रहे हैं। तो ये देखिए, ये ब्लैक भले है लेकिन ये अंदर सही होगा। देखिए पूरा है, सही है। देखिए ये पूरा सही है कि हम इससे जूस कैसे निकालते हैं अच्छे से। तो हम आज मौसम्बी का जूस निकालेंगे। तो गाइज, ये देखो, मैं मिसो ऐप से मंगवाई थी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है। मैं इससे एक दो बार जूस निकाल भी चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। ये देखो, ग्लास भी दिया हुआ है, ये इसको खोलकर हम साफ़ करते हैं।
और इसको फिर इसमें अटैच कर देते हैं। और ये है, इसमें दबाते हैं मौसम्बी को डालकर। और ये देखो ग्लास है, यहाँ से नीचे जूस निकलने वाला बना हुआ है, इसमें जूस निकलता है। और ये है, यहाँ पे बाहर लगता है। इसको हम इधर से बंद करेंगे, इधर से खोलेंगे और इधर से बंद करेंगे। अभी हमारा टाइट हो चुका है। अब ये देखो हम इसमें मौसम्बी का जूस निकालेंगे। ये यहाँ पे बना हुआ है इसको टाइट करने के लिए, तो इधर उधर नहीं भागता है। तो फ्रेंड्स इसको देखो हम चार भाग में डिवाइड कर देंगे। इसको चाकू या फिर हाथ से ऐसे कर देंगे, अगर पका होता है तो दिक्कत नहीं रहती, नहीं तो चाकू से काट देंगे। इसको हम चार भागों में डिवाइड या दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे मौसम्बी। अब हम इसको टाइट कर देंगे। अब देखो हम जूस कितने अच्छे से निकल रहा है। ये देखो अब हमारा मौसम्बी एक ग्लास तैयार है। इसमें हम काला नमक और चीनी डालेंगे, मिक्स कर देंगे और ये हमारा मौसम्बी रेडी हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं सोने। मैं डेली सो लेती हूँ दोपहर में क्योंकि थकी रहती हूँ। और ये देखो अब ये कपड़ा सब कुछ रखना है। और अभी कपड़े धुले भी। अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ। मैंने एप्पल एंड दो मौसम्बी भी खा चुके, खाना भी खा चुकी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं, अब 7 बजने वाले हैं। ये देखो मैं रोटी बना रही हूँ। मेरी रोटी कैसी बन रही है ये देखो, हमने रोटी बनाई है। और ये हमारा चावल हो रहा है, दाल हो चुका है। ये देखो मैं मैगी बना रही हूँ। ये मैगी मैं आज थोड़ा जूस वाला बना रही हूँ क्योंकि जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से सूखी खाया जा रहा है। तो आज मम्मी ने बोले कि आज चलो तरी वाला बनाते हैं। तो ये देखो हमारा मैगी रेडी हो चुका है। अब हम 2 मिनट के लिए थोड़ा। फ्रेंड्स मैं सबको मैगी दे चुकी हूँ। ये देखो मैं सबको मैगी दे चुकी हूँ। 5 लोग हैं, 5 कटोरी मैगी है। और अभी हमें दाल फ्राई करने हैं, उसके बाद हम लूडो खेलेंगे, सब काम खत्म करके। अभी फ्रेंड्स मैंने सबको मैगी दे दिए है, अब देखते हैं किसको कैसा लगा मेरी मैगी। तो मैगी खा के मुझे बहुत मजा आ गया, तो मैं पानी पीने जा रही हूँ। अच्छा तो मम्मी आपको मैगी कैसी लगी? बहुत टेस्टी लगी यार, आज अच्छा बना था मैगी। हाँ तो मम्मी आज मैगी आज तरी वाली अच्छी लगी ना आपको? हाँ आज बहुत अच्छी बनी थी, रोज से अच्छा मैं लगा। मम्मी का फेवरेट तरी वाला मैगी? हमें सूखा कम पसंद है, तरी वाला ज्यादा पसंद है। अच्छा आप खाएगी नहीं मैगी? खा दीजिए। नहीं मैं खा चुकी मैगी। पापा आपको मैगी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। अच्छा पापा आपको सूखी पसंद है कि जूस? हमें दोनों पसंद है। अच्छा पापा को दोनों मैगी पसंद है। आपको बताओ कैसी लग रही है मैगी? मस्त लग रही है, मजा आ रहा है इसको खाने में, जूस वाली। अच्छा जूस। तो अब हम जा रहे हैं, अब हमारा सब काम खत्म हो चुका है। अभी तो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बर्तन साफ करेंगे, पोछा लगाएंगे। लेकिन अभी देखो हम सब फ्री होकर लूडो खेलने जा रहे हैं। तो ये देखो सब लूडो खेल रहे हैं। ये मेरा चांस है, मेरा 3। ओ माय गॉड इनका 6 आ गया। नीचे का हम नहीं मानते, हम लूडो पे ही मानते हैं। तो गाइस मैं लास्ट में हार गई लूडो। मैं अब की बार सिर्फ हारी हूँ, नहीं तो मैं हमेशा जीत जाती थी। और इनसे तो हमेशा मैं जीतती हूँ, कभी नहीं हारती इनसे। हाँ झूठ मत बोलो, मैं इनसे हमेशा जीतती हूँ। मम्मी देखो क्या मोबाइल चला रही है। हम सब लूडो खेल चुके हैं, अब सब बैठे हैं, सबको खाना देने जा रहे हैं। 10 बजने वाला है। अब हम जा रहे हैं मम्मी को दवाई लेने, मम्मी को बुखार है तो अब हम जा रहे हैं दवाई लेने। मम्मी की तबीयत 2 दिन से थोड़ा खराब लग रही है। मम्मी फिर भी हंस रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इनको बुखार है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी दवाई ले रही हैं, अंदर हैं और हम यहाँ बाहर खड़े हैं, अभी मार्केट भी जाएंगे। तो ये देखो सब आ रहे हैं, हम सब मार्केट जा। तो ये देखो सब बैठे हुए हैं, हम आए हैं घूमने। ये देखो जहाँ जन्माष्टमी पे मंदिर में आए थे, ये थोड़ा दूरी पे है, उस बार तो और दूरी पे आए थे, घूम घूम के आए थे। ये देखो रास्ता है हमारा, 11 बज चुका है। गाइस हम आराम कर चुके हैं, अब देखो सब उठ रहे हैं, हम जा रहे हैं।
घर, अब फिर से वापस घर जा रहे हैं। अभी खाना नहीं खाए हैं, अब खाना खाएंगे। अभी 11 बज चुका है हमारा। यहाँ देखो मिलता है यहाँ सब कुछ। ये देखो हॉल है यहाँ। अरे यहाँ मॉल खुल सकता है। ये देखो हम रास्ते पे आए हैं। रात हो चुकी बट अभी तो रास्ता बंद नहीं होता यहाँ दिल्ली में। तो हम सोने जा रहे हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।